चलिए तो अब प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इक्विटी तो हमने कर लिया कि इक्विटी क्या होता है। इवन मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और इक्विटी के बीच में कॉम्बिनेशन बताया था इन चार पॉइंट्स के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं आपके आज के लेक्चर को बहुत आसान करने वाला है। कॉस्ट के बेसिस पर, रिस्क के बेसिस पर, रिटर्न के बेसिस पर और कंट्रोल के बेसिस पर कैसे ये इक्विटी और डिबेंचर से डिफर करता है, इनके बारे में ऑलमोस्ट हमने बातें डिस्कस कर ली थी। इसीलिए वो जो पहला लेक्चर था वो थोड़ा सा लेंथी बना था, 21 मिनट्स का लेक्चर था ये, जिसके अंदर हमने कंप्लीट इक्विटी के डिस्कस किए थे और साथ ही साथ इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस था वो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, है ना। कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस, मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ये सभी टॉपिक हो चुके हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। जो भी बच्चा इस वीडियो पे आया है, नया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इक्विटी की वीडियो ज़रूर देख ले, चैनल पर विजिट करके आपको यहाँ पर इक्विटी की वीडियोस मिलेगी, लेटेस्ट अपलोडेड मिलेगी, ठीक है। सो वहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक समझाने, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था आपके पास सोर्सेज आपके पास काफ़ी सारे हैं, या तो आपके खुद का पैसा हो या फिर आपके बोरोड फंड्स हो, दैट मीन्स आपने उधार पे पैसा लिया है। सो ये सभी के सभी आपके लॉन्ग टर्म के भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं एंड मीडियम टर्म के हो सकते हैं। बट जो इक्विटी है, प्रेफरेंस है, बॉन्ड है, लोन है, ये सारे के सारे ये आपके लॉन्ग टर्म के सोर्सेज हैं। सो प्रेफरेंस शेयर्स भी जो कैपिटल है, ये क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म की फिनांस, राइट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा नाम से समझते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब समझते हैं, आपने कभी किसी अपने जीवन में किसी पर्सन को प्रेफरेंस दी होगी, किसी चीज को प्रेफरेंस दी होगी, किसी, आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपने सबसे पहले नंबर पर रखा होगा। मान लीजिए मैं ये कहता है कि मैं पहले यहाँ इस जगह पर जाना चाहता हूँ, फिर इस पर जाना चाहूँगा, फिर इस पर जाना चाहूँगा। सो आपने एक प्रेफरेंस दी है, आपने अपना एक इम्पोर्टेंस दी है इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, राइट। सो इसी तरह से कंपनी भी प्रेफरेंस देती है इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, नाम से क्लियर। अच्छा, किसमें देगी प्रेफरेंस? वो उनको प्रेफरेंस देगी उनके डिविडेंड में, वो उनको उनके एसेट्स में अगर किसी भी तरह का क्लेम बनता है तो वो उनके अंदर देगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। अच्छा, लिक्विडेशन के टाइम जब कंपनी बंद होती है तो वहां पर एसेट्स हुई या फिर मैं कहूँ इनकम हुई, कुछ भी ऐसा अमाउंट बचता है तो उस टाइम भी पहले पैसा दिया जाता है प्रेफरेंस को। अच्छा, किससे पहले की बात की जा रही है? अरे बेटा, इक्विटी तो पढ़ा है हमने, इक्विटी से पहले हम किसको पेमेंट करेंगे? प्रेफरेंस से करेंगे। क्या आपको ये सीरीज याद है कि जो डिबेंचर्स है वो पहले नंबर पे आता था, दूसरे नंबर पे हमारा प्रेफरेंस होता है, तीसरे नंबर पे हमारा इक्विटी आता है। मैं इसके सबसे आखिरी में किसको पैसा मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को मिलता है, उसके बाद आपके एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। सो प्रेफरेंस पहले किससे दी जा रही है? इक्विटी से पहले दी जाएगी, ठीक है। मान के चलिए तीन भाई बहन है, सबसे बड़ा भाई आपका क्या है, इक्विटी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। आप जो हैं, आप बीच वाले हैं, तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सबसे जो छोटा है उसको डिबेंचर में। सो जो सबसे लाड प्यार होता है सभी के, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता घरों में, माँ बाप के लिए सभी बच्चे समान हैं, बट मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो छोटे बच्चे को है सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार दिया जा रहा है उसको, इसको यहाँ पर इसको ज़्यादा दिया जा रहा है प्रेफरेंस। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बीच में है, इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में। सो प्रेफरेंस की जो कंपैरिजन है ना, मोस्ट ऑफ आपकी इक्विटी के साथ की जाएगी कि इक्विटी से पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी से पहले आपको क्लेम मिलेगा, इक्विटी से पहले ये मिलेगा, इक्विटी से पहले वो मिलेगा, इनकी बात की जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एज अ नेम सजेस्ट, जो भी मैंने आपको इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई, यही लिखा हुआ है कि जैसे उसका नाम है, शेयर्स कैरी द प्रेफरेंशियल राइट ओवर द इक्विटी। इक्विटी से पहले उसको राइट मिलेगा, चाहे वो डिविडेंड की बात की जा रही है या फिर जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर वो पैसा वापिस आना, उसके ऊपर भी उसको पहले राइट है कि उसको पहले पैसा मिलेगा किससे? इक्विटी से, ठीक है। इसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जो भी पर्सन कंपनी में
प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। लिक्विडेशन के टाइम उसको पहले, बिफोर एनी पेमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स के, उसे पहले पेमेंट की जाएगी, उसको पहले मस्ट बी पेड किया जाएगा। सही समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के काफ़ी, प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है ना, काफ़ी तरह की होती है, जैसे कि क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, एक नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं। इन सब के बारे में हम आपको जान बता देते हैं। रिडीमेबल का मतलब होता है, मान लीजिए एक कंपनी है, इसने और ये जो पर्सन है इस कंपनी में, इस पर्सन ने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर्स में इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इसने पैसे लगा दिए 1,00,000 यहाँ पर पैसा, ठीक है। कंपनी ने कहा ठीक है, आपने हमें पैसे दिए हैं, आपको हमने ये शेयर इशू कर दिया, एक सर्टिफिकेट होगा वो हमने इशू कर दिया। अच्छा, ये पैसा आपको कब मिलेगा? वो पैसे की अगर आपके पास डेट फिक्स है कि आपको 4 साल के बाद, 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, उसे बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। अगर आपकी मैच्योरिटी का टाइम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, मीन्स कि देर इज अ नो मैच्योरिटी डेट, तो उसे हम कहेंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सॉरी, डिबेंचर याद क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ वहाँ पे ही यूज़ किया जाता है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? देखो क्या लिखा हुआ है रिडम्पशंस के अंदर, ये पढ़ाऊंगी, 2 मिनट का समय दीजिए। इन अ कंपनी कैन इशू द बोथ रिडीमेबल एंड द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, दे मस्ट बी रिटायर्ड, उस तारीख से पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैंने आज पैसे इन्वेस्ट करे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि 4 साल खत्म होने से पहले, मान लीजिए 9वां महीना लगा हुआ है, या मैं कहूँगी 10वां महीना रह गया, मीन्स की ओनली 2 मंथ्स रहते हैं, तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 महीने पहले 1 महीने पहले जो आपको पेमेंट करनी है, आफ्टर द 2 मंथ, आफ्टर द 1 मंथ, आपको वो पैसा पहले ही निकाल के रखना होगा कि इन फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत को उसको फेस ना करना पड़े। सो यहाँ पर कंपनी को याद रहेगा कि हाँ, इसकी मैच्योरिटी डेट ये है। ओके, इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपकी मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होती, देर इज नॉट हैव अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, जहाँ पर उसे हम कहेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, अच्छा, क्यूमुलेटिव के बारे में और समझ लेते हैं। अब पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, शेयर ले लिया है, ऐसे थोड़ी ना लिया, आप कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहते होंगे ना, और उसे बोलते हैं हम, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ओके, अच्छा, कंपनी में 1 साल प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी कैपेबल नहीं हुई प्रॉफिट डिविडेंड देने के लिए, सो ये अगर कंपनी के अंदर आपने ऐसे शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर ले रखा है जो कि क्यूमुलेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा कि चलो कोई बात नहीं, 1 साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इट्स ओके, दूसरे साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इट्स ओके, बट तीसरे जब साल आपको प्रॉफिट हुआ है, सो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि जिस पर्सन का आपने पैसा यूज कर रहे हो और उसने किया हुआ है क्यूमुलेटिव का ऑप्शन क्लिक, सो यहाँ पर लास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट हैं, लास्ट ईयर के जितने भी डिविडेंड इसके रहते हैं कंपनी के द्वारा पे करने हैं, तो कंपनी इसको तीसरे साल उन सभी के ऊपर क्या करने वाली है, उन सभी अमाउंट को जोड़ के वो तीसरे साल सारी अमाउंट को पे कर देंगे। मीन्स कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था इस पर्सन को मिलेगा ही मिलेगा, उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव। अगर मैं कहूँ नॉन क्यूमुलेटिव है, मीन्स कि 1 साल आप कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पाई, दूसरी साल आपको कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाई, तीसरी साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने कहा कि लो तुम्हारा डिविडेंड, तो आपके ऊपर ये कोई कंपलसरी नहीं है, कंपनी आपको पीछे वाला डिविडेंड नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने नॉन क्यूमुलेटिव को अगर ऑप्शन क्लिक किया होगा तो यहाँ पर ये 2 तरीके के आगे समझ में। क्यूमुलेटिव डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर मस्ट बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज मेड ऑन द इक्विटी शेयर। इक्विटी को पेमेंट करने से पहले क्या करेगी कंपनी, पहले आपको पेमेंट करेगी, पीछे जितना भी बकाया रहता है उन सबकी पेमेंट आपको देगी। ओके, अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो आपको केवल उसी साल का मिलेगा जिस साल प्रॉफिट हुआ है, पीछे साल तो रह गया सो रह गया, बाय बाय टाटा, नहीं देखते हैं, है ना। अच्छा,
पार्टिसिपेशन फीचर्स की बात की जाए, मींस के जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनको वैसे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता पार्टिसिपेशन का, मींस कि वो कहीं एक्स्ट्रा चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि वोटिंग करने के लिए, जैसे कि मैं कहूँ कि उसको ज़्यादा सरप्लस बचा हुआ है कंपनी के अंदर प्रॉफिट लेने के लिए, नहीं, उसको फिक्स दिया जाता है, ठीक है। बट कुछ एक सर्कमस्टांसिस के अंदर इनमें भी इनका राइट हो जाता है, दैट मीन्स पार्टिसिपेटिंग नेचर्स के अगर प्रेफरेंस शेयर्स को आपने लिया है, सो दैट मीन्स गेट एन एक्स्ट्रा डिविडेंड इन एडिशन इन देयर इज अ फिक्स्ड डिविडेंड। कहने का मतलब पता है क्या है कि जो रेगुलर बेसिस पे मान लीजिए 10% आपको डिविडेंड मिलता था, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होने के नाते प्रॉफिट बच गया, सरप्लस में बच गया, मीन्स कि यहाँ पर पहले आपको दे दिया, फिर उसके बाद लास्ट में इक्विटी बचा, सफिशियंट अमाउंट इक्विटी को दे दिया, ठीक है, स्पेसिफाइड डेट के दे दिया, ठीक है, बट फिर भी पैसा बच जाता है, कंपनी ने रिटेन भी कर दिया, ठीक है, फिर भी पैसा बच जाता है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि जो भी पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको वो एक्स्ट्रा का जो सरप्लस है उसके ऊपर फिक्स रेट पे फिर कुछ अमाउंट दे दे। क्लियर है? ये हो सकता है 2%, 3%, 4%, कुछ भी। ओके, समझ में आ गया? तो यहां पर 6 तरह के आपके प्रेफरेंस शेयर हो चुके हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव की हो सकते हैं, और लास्ट आ जाता है आपका 7th और 8th, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है, नहीं आपने कहा कि मेरे जो क्लास के अंदर ना, पता है क्लास के अंदर 3 सेक्शंस हैं, बच्चे क्या करते हैं अपने सेक्शंस को चेंज करवा देते हैं, तो ये होता है कन्वर्ट करवा रहे अपने सेक्शंस को। तो इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी अपने आप को कन्वर्ट भी करा सकते हैं, और कुछ एक प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल नेचर के होते हैं, ठीक है। कन्वर्ट किसमें करवाएंगे? क्या वो सारा का सारा अमाउंट जितना 1 लाख है सारा का सारा करा सकते हैं? डिपेंड अपॉन योर चॉइस, उसकी चॉइस है कि वो सारा का सारा कराए, हाफ करवाए, कितना करवाए, कुछ भी करा सकते हैं। किसमें कन्वर्ट होगा? इक्विटी शेयर्स एंड द डिबेंचर्स में हो सकता है, वो भी एक स्पेसिफाइड प्राइस पे होने वाला है, एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन दी जाती है कि हाँ इस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको चेंज करवाना है तो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। राइट, समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये होता है प्रेफरेंस, दैट मीन्स इक्विटी से पहले इनको प्रेफरेंस दी जाती है इनके डिविडेंड की रेट में और इनकी कैपिटल की पेमेंट के केस में जब कंपनी लिक्विडेट होती है। ओके ओके जी, अब बेनिफिट की बात की जाए, अब देखो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, मीन्स की कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर उनको मिल जाएगा। राइट, समझ में आ रहे हैं? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड की बात की जा रही है। प्रायर क्लेम ऑन द ओवर इनकम एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो इनकम है, कंपनी की जो एसेट्स है, उनको पहले क्लेम दिया जा रहा है। अच्छा, किससे पहले दिया जा रहा है? इक्विटी से दिया जाएगा। राइट, लिक्विडेशन के टाइम कंपनी क्या करेगी? अपने एसेट्स को बेचेगी, बेच के अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ करेगी, फिर वो पैसा बचेगा तो पहले डिबेंचर्स की पेमेंट करके फिर प्रेफरेंस की करेंगे और उसके बाद हम इक्विटी की करेंगे। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो कंपैरिजन है ना, आपकी इक्विटी शेयर होल्डर के साथ मिलेगी। ओके अच्छा, वोटिंग राइट, अभी तो आप कहेंगे कि मैम आपने मना किया तो इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। वोटिंग राइट तो केवल और केवल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। यस, मैं तो अभी भी यही कह रही हूं, फिर आपने इसके बेनिफिट में ये क्यों लिखा? लेट्स बी एक्सप्लेन। सुनो, इन केस कंपनी कह रही है कंपनी को इस साल डिविडेंड नहीं हुआ, अच्छा, फिर कह रही है इस साल भी नहीं हुआ, अच्छा, फिर कह रही है इस साल भी नहीं हुआ। सो इस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिस्क क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, कि उनको डिविडेंड टाइम पे नहीं मिल रहा, उनको डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रहा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कहते हैं कि इन केस हमारा डिविडेंड नहीं मिलता तो कंपनी ने उनको राइट दिया हुआ है कि जो भी आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है उसके केस में आप क्या कर सकते हो? आप वोट कर सकते हो, आप अपनी कंपनी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अंदर आप इन्वॉल्व हो सकते हो। क्लियर है? नॉर्मली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैरी नो वोटिंग राइट, बट दे कैन वोट ऑन द मैटर विच डायरेक्टली इफेक्ट देयर राइट। जब उसके राइट को अफेक्ट करते हैं ना, मीन्स कि उसको डिविडेंड नहीं मिल रहा, उसको कैपिटल का हिस्सा नहीं मिल रहा उसको वापस, तो उस केस में वो क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। ये तभी होगा जब आपका जो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड है वो 2 या 2 से ज्यादा साल का आउटस्टैंडिंग है। ओके अच्छा, बेनिफिट ऑफ द कन्वर्जन, कन्वर्जन का तो बेनिफिट है,
राइट, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में भी और डिबेंचर्स में भी, ये बीच का हिस्सा ना, बीच बिचाले पर्सन का बड़ा फायदा होता है। अच्छा, राइट टू द पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बचा एक्स्ट्रा का उसको मिलने का पूरा अधिकार है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? सो ये पॉइंट्स थे जो कि आपके प्रेफरेंस शेयर से बिलोंग करते हैं, क्लियर है? यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे डिबेंचर्स, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके? आप इन पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और आपको पर पीडीएफ आपको ₹9 पे करने होंगे, ओके? अगर आप इंटरेस्टेड है तो टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो हमारा प्रेफरेंस शेयर भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना डिबेंचर्स एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज बच्चों के पास, सभी के पास शेयर कर देना कि